भाजपा नेता का बेटा और एक अन्य युवक 60 ग्राम हीरोइन के साथ एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से एक होंडा सिटी कार भी बरामद की है। यह दिल्ली से अंबाला 60 ग्राम हीरोइन लेकर आ रहे थे। इससे पहले भी भाजपा नेता का बेटा पंजाब में हीरोइन तस्करी मामले में हो चुका है गिरफ्तार और चल रहा है जमानत पर। अंबाला भाजपा पूर्व जिला प्रधान के बेटे अमित और एक अन्य युवक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसएचओ पड़ाव ने बताया कि यह दोनों एक होंडा सिटी कार में दिल्ली से अंबाला की तरफ आ रहे थे और इनके कब्जे में 60 ग्राम हीरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। दोनों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने डाल दी है। उन्होंने बताया कि यह किसका बेटा है यह एसटीएफ वाले ही बताएंगे, जिनमें एक नाम कल्पनाथ है और दूसरे का अमित, जो अंबाला के सेक्टर 7 का निवासी बताया गया है। इससे पूर्व भी अमित पंजाब के डेराबसी में 30 ग्राम हीरोइन के साथ पुलिस की स्पेशल टीम ने सूचना के अनुसार काबू किया था। जिला मोहाली पंजाब पुलिस की CIA 2 ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपित अमित को रिमांड पर लिया था, जो अब जमानत पर चल रहा है। ये दो लोगों को एसटीएफ ने आज FIR लॉन्च की है, पर्चा दर्ज किया और इनसे 60 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और दोनों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने डाल ली है और आगे की तफ्तीश जारी है। भाजपा जिला अध्यक्ष का बेटा है ये तो एसटीएफ वाले बताएंगे, हमारे लिए तो अभी सिंपल एक दो अक्यूज हैं और एक का नाम है कल्पनाथ जो यूपी का रहने वाला है और एक लोकल सेक्टर 7 का अमित है। इनके पास है टोटल 60 ग्राम ऑफ स्मैक बरामद हुई है, मतलब चिट्टा, और वो जहाँ का रहने वाला है वो उसी के थाने से पता चलता है और अभी तो FIR लॉज हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको ये अपना लाइटों से पकड़ा गया, पर शास्त्रीय लाइटों से इनके पास होंडा सिटी कार थी, इनके पास टोटल 60 ग्राम स्मैक थी बताएंगे, तो लाखों में होगी सर इसकी। खबर तहलका के लिए अंबाला से आर्य बंसल की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।